आज मेरे साथ सीएलसी स्टूडियो में मौजूद हैं अलवर के आनंदपुरा गांव के रहने वाले धर्मेंद्र जी यादव और उनकी लाडली और होनहार बेटी वंदना यादव। वंदना 2015 में 11th क्लास में सीएलसी में आई थी और आज 12th के साथ नीट में सेलेक्ट हैं। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र जी को और वंदना को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा संपूर्ण सीएलसी परिवार की ओर से। धर्मेंद्र जी, आप एक बेटी के पिता हैं, बेटी को अलवर से बाहर पढ़ने के लिए छोड़ने से पहले आपने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया होगा, कोचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचर्स कैसे होनी चाहिए, वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के अलावा चूँकि बच्ची को आप घर से बाहर भेज रहे हैं तो सेफ्टी कैसी होगी, सिक्योरिटी कैसी होगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके दिमाग में एक उहापोह की स्थिति रही होगी। आपने इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करके सीएलसी को चुना। एडमिशन के टाइम की सीएलसी और आज की सीएलसी, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? सर, मैं जब वंदना का 10th का एग्ज़ाम होने के बाद में मैं इसकी पीएमटी की तैयारी के लिए कि कहाँ इसको डालूँ, कहाँ पर माहौल अच्छा है, उसके लिए मैं कोटा भी गया, जयपुर भी गया, दिल्ली भी गया, लेकिन मेरे को वहाँ माहौल अच्छा नहीं लगा। सिर्फ माहौल वहाँ बिल्कुल नहीं था, इसी मैंने फिर यहाँ सीकर में आया और यहाँ का माहौल देखो, डिसिप्लिन बिल्कुल एकदम फौज की तरह डिसिप्लिन है। नाइट में कैसे भी नाइट कैंप अटेंड करो, कोई यहाँ पर बिल्कुल खतरे की बात नहीं है। रात को 2-2 बजे तक क्लास लगती है, खुद हमारे बोस डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे रहते हैं रात को बच्चों के, जब तक कि एक भी बच्चा घर नहीं चला जाता है, हॉस्टल नहीं चला जाता है, वो यहीं पर बैठे रहते हैं।